गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेकंड, क्लास सेकंड, क्लास सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 में हमने 3C के बारे में बताया था और साथ में एडिशन विद कैरिंग ओवर के बारे में बताया था। अब उसके बाद आइए एक्सरसाइज 3D में आइए। चैप्टर 3 एडिशन। चैप्टर 3 आपका एडिशन था। एक्सरसाइज 3D में आई। 3D में देखिए, 3D में पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। आपको सम को फाइंड आउट करना है, मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो एडिशन है वो 3 डिजिट का है और 3 डिजिट का एडिशन हमेशा 100 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1s, 10s और 100 का फॉर्म बना है। 1s, 10s, 100 का फॉर्म है और ये जो एडिशन है कैरी वाला एडिशन है। इसके पहले जो आपने एडिशन किया था वो बिना कैरी का था, ये एडिशन जो है कैरी वाला है। दिया है देखिए यहाँ पे 418 प्लस का यहाँ पे दिया है 283। इसको आपको प्लस करना है यहाँ पे कितनी निकालो 1s, 10s, 100। तो ये जो कैरी, ये जो एडिशन है ये कैरी वाला एडिशन है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कैरी का बॉक्स बना है, मतलब कि वंस का कैरी अगर टेंस में आता है तो वो कैरी ऊपर इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप 8 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 8 + 3 11 होता है। क्या होता है, अगर 8 में अगर आप 3 प्लस कर रहे हैं तो 11 होना है। तो यहाँ पे आप 11 पे पूरा पूरा 11 नहीं करेंगे, ये वंस का कॉलम है। आप देखिए वंस आपका ये है, यहाँ पे आपने 1 लिखा और ये इसको आप लिखेंगे 1, 10 प्लस का 1, 1। तो 1 देखिए 1 में 1s में तो आपने 1 लिख दिया, लेकिन 10 110 इसमें बचा है ना, इसमें 110 आपका बचा है। तो 110 जो है हम कैरी चला लिया। अब वहां पे देखिए 110 में देखिए 1 + 1 + 8 ये क्या आ रहा है। देखिए अगर 1 में 1 आप ऐड कर रहे हैं तो 2 बन जा रहा है और 2 में फिर 8 कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 पूरा पूरा आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 110 + 0, 1 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब 110 और 0, 1 तो आप देखिए जब आपने इसको ऐड किया, देखिए 1 और 1 करके 2 हो गया और 2 में 8 करके 10 हुआ, ये 10 टेंस हो गया। तो 10 टेंस का मतलब क्या आपका, ये आपका 100 हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे देखिए आप 10 टेंस को लिखेंगे 100 तो यहाँ पे देखिए 10 टेंस 10 टेंस को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 0 लिखेंगे यहाँ पे आप 0 लिखेंगे इसमें कितना बचा 1 जो इसमें देखिए 1 और 1 करके 2 1 और 8 में 2 एंड 10 10 का आप 0 लिखेंगे। देखिए 10 टेंस में आपने 0 लिखा, इसमें क्या बचा आपका 100 बचा, 100 हो जाएगा। 10 टेंस का मतलब क्या होगा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 100 को आप लिखेंगे 110
प्लस का जीरो टेंस, जीरो टेंस हुआ 100 में, अगर आप जीरो टेंस ऐड करेंगे 100 ही होगा। देखिए टेंस में आपने जीरो लिखा, इसमें आपका 100 बचा, क्या बचा? अगर आप 10 टेंस करेंगे तो 100 हुआ, इसको 100 को लिखेंगे 100 प्लस का जीरो टेंस, जीरो टेंस हुआ। तो अब आपने आपने जीरो टेंस लिखा, उसके बाद इसमें 100 आप पहुंचा, 100 आपका यहां पे आ जाएगा, तो 415 हुआ। अब 5 में 2 करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 7, ये आपका 701 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। चलिए एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं इसी पे। देखिए अगला एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, क्या लिखा है? 1 times 100, यहाँ पे लिखा है 704, फिर है 199। तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसमें भी देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाया क्या लिखा, इसी के अंदर आपको कैरी वाला नंबर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 4 कितना होगा, 13 होगा है। तो 13 का आप 3 वंस लिखेंगे यहाँ पे, और 1 ये जो 110 है इसमें चला गया, 110 इसमें चला गया। तो अब देखिए फिर यहाँ पर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। अब देखिए 1 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं तो 1 होगा, और फिर 1 में अगर 9 ऐड कर रहे हैं तो 10 हो जाता है। तो 10 में यहाँ 0 लगाना भूल गए, 10 का आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसमें देखिए 1 बचा, तो जो 10 का कैरी 100 में चला गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो 718, देखिए 1 में आप 7 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 होगा, इस तरह से 903 हो जाएगा। चलिए एक और हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो नंबर्स का आपने एक साथ एडिशन देखा, अब तीन नंबर्स का एक साथ एडिशन देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए आपने तीन नंबर्स का दिया है, 428 प्लस का 210 और फिर प्लस का दिया है 319। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें भी वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो आप क्या करेंगे, वंस को करेंगे पहले ऐड, तो 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 क्या होगा, 17 होगा। तो 17 का 7 वंस आप लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें देखिए कैरी आ गया, क्योंकि ये कैरी वाला एडिशन है, 7 को पढ़ के बचा 1 आपका यहाँ आ गया। अब इसको करेंगे 1 विद 2 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे टेंस में कोई कैरी बचा नहीं, टेंस में कैरी है ही नहीं, क्योंकि 1 में अगर 2 का आप ऐड करें 3 हो रहा है, 3 में 1 ऐड करें 4 हो रहा है, 4 में 1 ऐड करें 5 हो रहा है, इसमें कुछ कैरी है ही नहीं, इसलिए आप वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब 100 का होगा ये 4 में अगर आप 2 ऐड करें तो 6 हो रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे तो 9 होगा, तो 957 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जैसे आप दो नंबर का एडिशन करते थे उसमें इसमें क्या है कि एक नंबर उसने और बढ़ा दिया, लेकिन एडिशन का तरीका हमेशा जब दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो एडिशन का तरीका जिस तरह से आप पहले एडिशन कर रहे थे उसी तरह से एडिशन होगा। आइए पहला क्वेश्चन को हम आपको समझा दें, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में किया है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। देखिए क्या करना है, सबसे पहले कॉलम के अंदर आपको अरेंज करना है, तब उसके बाद ऐड करना है। जैसे दिया है 532 प्लस 230। देखिए सबसे पहले आप इस नंबर को कॉलम के अंदर अरेंज करेंगे, आपको तीन कॉलम बनाना होगा, वंस टेंस और हंड्रेड। आपने वंस टेंस हंड्रेड का कॉलम बना लिया, सबसे पहला नंबर 532 करें, प्लस करेंगे 238। अब आप इसको प्लस करना है, तो आपने पहले देखिए सबसे पहला काम क्या है कि नंबर को पहले आपने क्या किया, कॉलम के
फिर उसके बाद एंड ऐड, मतलब फिर उसके बाद उसको ऐड करना है। ऐड करेंगे कि 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 होता है। अगर 2 में आप 8 प्लस करेंगे तो 10 होगा, तो 10 का यहां आपका कैंसिल 0 हो गया। अब यहां पे क्या आ गया 1, क्या आ गया। अब इसको करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 में आप 3 ऐड करें तो 4 होगा, 4 में 3 ऐड करना है तो 7 आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, 7 आ गया। अब इसमें तो कुछ कैरी है नहीं, तो ये 10 में कैरी कुछ है नहीं, इसको यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, 102 पर कैरी नहीं लिखेंगे। जहां पे कैरी होगा कल आप वहीं कैरी लिखेंगे, अपनी मन से आप कैरी नहीं लिखेंगे। जहां पे ऐड करने के बाद अगर आपको कैरी मिलता है तो वहीं पे आप कैरी लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐड करने के बाद कैरी आपको नहीं मिलता है तो आप अपने मन से कैरी, जैसे यहां पे 1 है तो यहां पे आप अपने मन से 1 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 में कुछ कैरी ही नहीं होता। कि 3 और 3 प्लस 3 6 होता है, 6 में 1 ऐड किया 7, तो अगर 17 होता तब इसका कैरी 100 पे आता, लेकिन 7 है इसलिए इसमें कैरी नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे 5 6 7 के लिए इसका एडिशन होगा, 770 हो जाएगा। चलिए एक और हम आपको समझा रहे हैं, क्या है यहाँ पे 525 प्लस 346, इसमें भी करिए 1 10 100 करिए, यानी कि 525 प्लस का 346, इसको आपको प्लस करना है। देखिए इसको आपको प्लस करना है, आप क्या करेंगे 5 में 6 ऐड करेंगे, देखिए 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 होगा, आप 1 लिखेंगे यहाँ पे, इस पे कैरी आ गया 1। अब इसको करेंगे 1 प्लस 2 कितना होता है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे, टेंस में तीन नंबर हो रहा है, कैरी कैरी 1 है तो इसका 2 है फिर 4 है, 1 2 4 को करेंगे कितना होगा 4 2 6 1 7 है, इसमें देखिए केवल 7 आया, इस पे आप यहां पे 7 लिखिए। अब टेंस में कोई कैरी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कैरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको करेंगे 5 में 3 8 हो गया, 871 हो गया। इसी तरीके से ही आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर अब देखिए जो एक्सरसाइज 3D में केवल दो ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपको कॉलम दिया हुआ है और कॉलम दिया हुआ है और हर कॉलम के ऊपर यहाँ पे कैरी है, कैरी वाला बॉक्स आपको दिया, तो आप इसको ऐड करेगा और कैरी वाला नंबर बॉक्स के अंदर भरिएगा और फिर ऐड करेगा। इस तरह से आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कॉलम दे दिया है, केवल आपको नंबर यहाँ पे फिलअप करना है और नंबर लिखना है फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर कैरी वाला नंबर देखिए 10s और 100 के कॉलम में दिया हुआ, तो 10s 1s का जो कैरी होगा वो 10s में जाएगा और 10s का कैरी 100 में जाएगा। जहाँ पे कैरी नहीं होगा वहाँ पे आप उस बॉक्स में 0 लिख सकते हैं या उसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं, वो 0 ही माना जाएगा। इस तरह से आप पहला और दूसरा करिएगा। अब आइए अगला जो टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है, अगर कोई समस्या होती है जब उसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा तो आप उस समस्या को कर लेंगे। अगर पढ़ने के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो समझ, पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, तो वही इस पे जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है। पहला समझाना है एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए आप एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं।
Shipra and her mother clean the cup board on Sunday. Shipra और उसकी मम्मी ने संडे के दिन अपनी अलमारी को साफ करने के लिए अलमारी खोला. They folded 124 towels. उन्होंने सबसे पहले तौलिया जो होती towels मतलब तौलिया, उन्होंने 124 towels को फोल्ड किया. उसका जो चंदर होती है जिसको हम लोग बिछाते हैं, 230 बेडशीट को उन्होंने फोल्ड किया. और जो तकिए का कवर होता है 281 किया. मतलब कि तौलिया, चद्दर और तकिए का जो कवर है सबका उसने दिन की काउंट किया है. टॉवल में 124 है, बेडशीट में 230 है और पिलो में 281. तो ये बता ये पूछा है हाउ मैनी क्लोथ डिड दे फोल्ड, उन दोनों ने कितने कपड़े उन्होंने फोल्ड किए. फोल्ड मतलब कि उसको अच्छे से सजा के, तो मतलब उसको दबोच के अच्छे से अलमारी के अंदर रखना. तो इसमें वही की जाए, सबसे पहले कि इसमें टॉवल्स का दिया हुआ है, टॉवल्स का नंबर यहाँ लिखा है 124, इसने कॉलम दिया है 1 stands 100 का. फिर बेडशीट दिया है 230, यहाँ पे इसने 1 stands 100 दे दिया. फिर पिलो कवर है 281, 1 stands 100 में नंबर फिलअप कर लिया. अब इसने क्या किया, तीनों नंबर को कॉलम के अनुसार सारे नंबर को फिलअप कर लिया. और जब फिलअप कर दिया है और फिलअप करने के बाद उन्होंने क्या किया है, इसे दिया है देखिए ये 100 का कॉलम है, ये 10 का अपॉन्स का है, ये 124, 230 और 281. इसको प्लस करना है. ये आपका टॉवल है, टॉवल्स, ये आपका बेडशीट है, बेडशीट्स, और ये आपका पिलो का. अब यहाँ पे देखिए तीनों अलमारी के अंदर रखे थे, उथल पुथल गए, उस तीनों को उसने निकाला और अच्छे से सजाकर अलमारी के अंदर रखा. अब ये बताना कितने उन्होंने कपड़े फोल्ड किए. देखिए यहाँ पे टैडी का बॉक्स दिया है. अब आप इसको करेंगे 4 में, अगर आप 3 ऐड करें तो 4 में 3 करेंगे तो 7 होगा, 7 में 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा. इसका वैल्यू कुछ है नहीं, 1s का तो वैल्यू है नहीं क्योंकि 4 और 3 मिलकर 7, 7 में 1 का 8 हुआ. अब 10s में आइए, 2 plus 1 3 होता है और 3 प्लस 8 11 होता है. आप 2 plus 1 plus 8 इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा. देखिए 11 का आप 1 यहाँ लिखेंगे और ये जो बचा आपका 100, जो 100 आपका बचा वो आपका यहाँ पे चला जाएगा. 100 में करेंगे 1 over 2 हुआ, देखिए 1 over 2 हुआ, 2 में 2 करेंगे 4 हुआ, 4 में 2 करेंगे 6 हुआ. मतलब उन्होंने जो टोटल कपड़े उन्होंने दबोचे हैं टोटल ग्रोस कितना है 680. तो इस तरह से उन्होंने अलमारी के अंदर जितने भी कपड़े उलट पुलट के रखे गए थे उस सबको निकाल के अच्छे तरीके से दबोचा. तो इस तरह से काउंट किया 680. आप ये चीज याद रखिए, हमेशा आप याद रखिए बिफोर सॉल्विंग ए वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है कि जब तक उस समस्या को आप समझेंगे नहीं तब तक उस समस्या को आप कर नहीं पाएंगे. तो ये हमारे लिए है कि कोई भी समस्या को, कोई भी समस्या होती है तो समस्या को सॉल्व करने से पहले जो समस्या है उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और फिर उसके बाद सबसे पहला काम है कि समस्या को आप पढ़िए कि वो क्या समस्या है. जो समस्या होगी जब आप पढ़ेंगे तो जब समस्या आपको समझ में आएगी तो अपने आप वो समस्या खत्म भी हो जाएगी. तो बिना पढ़ेंगे कोई समस्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे समझेंगे तब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. तो अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 3 भी हम कराएंगे. आज के लिए जब इतना, इसमें 3 भी हमने बताया है. इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेरी वाला एडिशन है इसको हमने आपको समझाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज 3 भी समझ में आएगी.